بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Dear students, in last lecture we have discussed about the mass and weight. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया वेट और मास के बारे में, और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी एक ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है मून पे। अगर इसका वेट हम मून पे देखेंगे एक ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ पे इसका वेट क्या होता है, क्या ये ज़मीन एक ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ज़मीन पे, क्या मून पे उस ऑब्जेक्ट का वेट उतना ही या उससे कम निकलता है, तो वो हम देखेंगे कि वेट क्या होता है एक ऑब्जेक्ट का ऑन द मून। और ये आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया कि एक ऑब्जेक्ट का वेट कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, ये चेंज होता है, और इवन ये ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो वैरी होती है। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो उस ऑब्जेक्ट का वेट भी कम होगा। तो यही हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ व्हाट इट इज ऑन द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट का वेट मून पे 1/6 होता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ व्हाट इट इज ऑन द अर्थ, यानी एक ऑब्जेक्ट का वेट 1/6 ऑफ द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ होता है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट हम निकालेंगे अर्थ पे, सपोज अगर ये 6 न्यूटन हो, तो अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम अब वेट देखेंगे मून पे, तो वहां पे इस ऑब्जेक्ट का वेट 1 न्यूटन ही आएगा। तो यही मैंने यहां पे लिखा कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ व्हाट इट इज ऑन द अर्थ। This is because the gravitational force of the moon is about 1/6 that of the earth. इसका रीजन क्या है, क्यों ये वहां पे 1/6 होगा? ये इसीलिए क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून है वो 1/6 है ऑफ दैट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका रीजन भी क्या है, क्योंकि ये जो मून है इसका रेडियस भी बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अर्थ, और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू मून, और इसका जो मास है वो भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू मून। तो यहाँ पे आप याद रखना कि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मून, या ये भी हम कह सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज वेरी लेस देन दैट ऑफ अर्थ। तो कितना है, एंड इट इज अबाउट 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ क्या होता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट, एंड सिमिलरली द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विद विच मून इट इज अट्रैक्टेड बाय द मून। तो वेट की मैं डेफिनेशन यहां पे फिर से देना चाहता हूं कि वेट क्या होता है, द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ।
तो सिमिलरली वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड बाय द मून्स ग्रेविटेशनल पुल. दस इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 6 न्यूटन, जो अभी मैंने आपको बोला, दस इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 6 न्यूटन, इट इज वेट ऑन मून विल बी ओनली 1 न्यूटन ऑन द मून. तो अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 6 न्यूटन होगा तो इसका वेट मून पे ओनली 1 न्यूटन होगा. मास एंड रेडियस ऑफ मून आर लेस देन दैट ऑफ द अर्थ. जो अभी मैंने आपको बोला कि जो मास है और जो रेडियस है मून का वो कम है एज कम्पेयर टू अर्थ. दैट इज वाई द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज लेस देन दैट ऑन द अर्थ. मून एग्जर्ट्स ए लेसर फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो इसका रेडियस कम है, इसका मास कम है, तो इसीलिए ये लेस फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट करती है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो मैथमेटिकली हम देखेंगे कि ये 1/6 ऑफ अर्थ ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ होती है कि नहीं. तो ये हम देखते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा टू शो मैथमेटिकली द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ. यानी एक ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा अर्थ पे उसका, ये अगर अर्थ अगर मून पे उसका देखा जाए तो इट विल बी 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये इसकी मैथमेटिकल डेराइवेशन ये डिराइव करने से पहले आप याद रखना कि मास एक ऑब्जेक्ट का कॉन्स्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है. वो जहाँ भी जाएंगे, एक जहाँ भी एक ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट किया जाएगा तो वो कॉन्स्टेंट रहेगा. लेकिन वेट एक ऑब्जेक्ट का कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, ये चेंज होता है, ये वैरी होता है. अगर हम अर्थ पे देखेंगे एक ऑब्जेक्ट का वेट, वो वहाँ पे कुछ होगा, और जो वेट उसी ऑब्जेक्ट का हम देखेंगे मून पे तो वहाँ पे और कुछ होगा उसका वेट. ठीक है, तो ये हम अब हम देखेंगे मैथमेटिकली. लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम. एक ऑब्जेक्ट हम सपोज करेंगे कि इसका मास एम है. सपोज इट्स वेट ऑन द मून बी डब्ल्यू एम. यानी इस ऑब्जेक्ट का जिसका मास एम है, इसका हम वेट मून पे सपोज करेंगे कि वो डब्ल्यू एम है. ठीक है, तो यहाँ डब्ल्यू कैपिटल है और एम जो है ये सबस्क्रिप्ट इसको बोलते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा ये डब्ल्यू की बॉटम पे. ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट का वेट है मून पे. सपोज द मास ऑफ मून इज एम एंड रेडियस इज आर. अब हम मून का रेडियस सपोज, मून का मास सपोज करेंगे कि वो एम है, कैपिटल एम, और रेडियस क्या है आर. डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, इसका मास हमने सपोज किया कि वो एम है, स्मॉल एम, और इस ऑब्जेक्ट का वेट मून पे हमने सपोज किया वो डब्ल्यू एम है, और मास ऑफ मून जो है वो हमने कैपिटल एम लिया, और रेडियस ऑफ मून जो है वो आर हमने सपोज किया. अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज गिवन एज. यहाँ पे हमने डब्ल्यू एम लिया, हम यहाँ पे एफ लिख सकते हैं क्योंकि एफ जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, तो उस फोर्स को भी हम वेट कहते हैं. ठीक है, तो द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय द मून्स ग्रेविटेशन पुल इज कॉल्ड एज वेट. तो इसीलिए हमने यहाँ पे वेट लिया, यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून. ठीक है, इसलिए हमने डब्ल्यू एम लिया, यानी डब्ल्यू एम रिप्रेजेंट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू जी एम इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर. जी है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम है मास ऑफ द मून, एंड स्मॉल एम जो है ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है, ये रेडियस है मून का. तो ये हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फॉर्मूला इसमें
पुट की, ठीक है, डब्ल्यू एम इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो नोट मैंने यहाँ पे लिखा, दिस वेट इज एक्चुअली द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। ये जो यहाँ पे वेट है ये एक्चुअली फोर्स है, ये असल में फोर्स है विद विच द मून अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज डब्ल्यू ई। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस ऑब्जेक्ट का वेट हमने अर्थ पे मान लिया कि वो डब्ल्यू ई है। मास ऑफ द अर्थ इज 100 टाइम्स दैट ऑफ द मून एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द मून। जो मास है अर्थ का वो 100 टाइम्स ज्यादा है देन दैट ऑफ मून, और जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो 4 टाइम्स है ज्यादा देन दैट ऑफ द मून। तो मास ऑफ द अर्थ इज 100 टाइम्स देन दैट ऑफ द मून एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द मून। Now, applying the universal law of gravitation, the weight of the object on the earth will be. अब हम इस ये जो और ये जो एक ऑब्जेक्ट हमने लिया जिसका हमने अर्थ पे वेट क्या लिया डब्ल्यू ई, इस पर भी हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फार्मूला पुट करेंगे। वी गेट डब्ल्यू ई इक्वल टू जी इंटू 100 एम, 100 क्योंकि ये 100 टाइम्स है एम, एम क्या है मास ऑफ द मून, ये चूंकि यहाँ पे अर्थ का मास है वो 100 टाइम्स देन दैट ऑफ मून है, इसलिए 100 इंटू एम, ठीक है, और इंटू एम ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिवाइड बाई 4 आर होल स्क्वायर। 4 क्यों लिया हमने, क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है वो 4 टाइम्स है देन दैट ऑफ आर, आर है रेडियस ऑफ मून, तो स्क्वायर जो है ये फॉर्मूला का है, ठीक है। नाउ डब्ल्यू ई इक्वल टू जी इंटू 100 एम इंटू एम डिवाइड बाई 4, जब हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 16, यानी 4 इंटू 4 16, 4 आर 16 और आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ ये है जी इंटू 100 एम इंटू एम डिवाइड बाई 16 आर स्क्वायर। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड वी गेट, जो इक्वेशन फर्स्ट है यानी डब्ल्यू एम इक्वल टू जी एम एम जो है उसको हम डिवाइड करेंगे सेकेंड इक्वेशन से जो डब्ल्यू ई है। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है वो तो डब्ल्यू एम, मैं फिर से आपको ये दिखाऊंगा कि इक्वेशन फर्स्ट क्या है, उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये इक्वेशन फर्स्ट ये है, यहाँ आप इसका यानी आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकंड जो है वो है ये इक्वेशन सेकंड है, यहाँ आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वेशन सेकंड, डब्ल्यू ई इक्वल टू जी इंटू 100 एम इंटू एम डिवाइड बाई 16 आर स्क्वायर, दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन सेकंड। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड वी गेट डब्ल्यू एम डिवाइड बाई डब्ल्यू ई जी इंटू एम इंटू 16 आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू जी इंटू 100 एम इंटू एम। जब हम इसको ये जो एम है कैपिटल एम और यहाँ पे जो कैपिटल एम है ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दो, ये कैपिटल जी और कैपिटल जी भी, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर भी, ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो वी गेट फाइनली 16 डिवाइड बाई 100, यानी डब्ल्यू एम डिवाइड बाई डब्ल्यू ई इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 100। तो जब 16 डिवाइड बाई 100 हम करेंगे वी गेट 1/6, तो डब्ल्यू एम डिवाइड बाई डब्ल्यू ई इक्वल टू 1/6। देयरफॉर डब्ल्यू एम, अगर हम यहाँ से डब्ल्यू एम निकालेंगे यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून हम निकालेंगे वी विल गेट 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो वेट ऑन मून किसके बराबर है, 1/6 वेट ऑन द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या होगा वो किसके बराबर होता है, 1/6 वेट ऑन द अर्थ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो मून पे क्या होता है, 1/6 द वेट ऑफ द अर्थ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको अब दिखाऊंगा कि इसी टॉपिक के रिलेटेड
और आप भी कुछ न्यूमेरिकल्स जो टेक्स्ट बुक पे हैं, आपकी टेक्स्ट बुक पे, वो भी आप करना कि आप देखना कहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आएगी, तो आप फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। डियर स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।